मेरा नाम सुखमन है और मैं 7वीं कक्षा के लिए छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल भरपाल है। मैं आज आपके सामने प्रदूषण की समस्या और समाधान बारे बताना चाहती हूँ। प्रदूषण जब वायु, जल और हमारे वातावरण से दूषित तत्व मिलकर उसे गंदा कर देते हैं तो उसे प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण हवा से प्रदूषकों के मिलने से हवा प्रदूषित हो जाती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसका कारण कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का अर्थ है आवाज। लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली आवाजें ध्वनि के प्रदूषण जिम्मेदार है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जल प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों और समुद्र के जल में मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। प्रदूषण रोकने की उपाय, भारत सरकार को चाहिए कि पेड़ पौधे और जंगलों की कटाई पर रोक लगाए। नदियों में कारखानों का कचरा ना फैला फेंका जाए। कारखाने शहरों से बाहर होने चाहिए। लाउड स्पीकरों की समय सीमा निर्धारित की जाए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाएं। धन्यवाद।